हेलो एवरीवन, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना आपका, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा टॉपिक कार ऑन सर्कुलर लेवल रोड और एक बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, उसमें यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर समझना है बिल्कुल आपको इजी वे में, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो जब मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की थी हमने, कैसे जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जैसे हम इसमें कंसिडर करें इसके सेंटर से ये एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्टोन है मान लो, ठीक है, और उसको आप इस तरीके से रोटेट करवा रहे हो, क्लियर, समझ रहे हो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब आप कहोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहे हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन कहाँ से आ गया या एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, एक्सेलरेशन तो जीरो होता है। तो आपको अगर याद हो कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और कोई भी चीज़ हम कह रहे हैं कि घूम रही है, ठीक है ना, एक सर्कल में घूम रही है, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता था जो कि एक्ट होता था कहाँ पर, टुवर्ड्स द रेडियस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस ये, तो एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर पे ये हो गया, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था AC, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लगता है और टुवर्ड्स द रेडियस, क्लियर। अब एक्सेलरेशन क्यों कहते थे, हमें ये पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली चेंज करती है। जब इस पोजीशन पे आएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। वेलोसिटी की हम मैग्नीट्यूड से बात नहीं कर रहे, मतलब उसके नंबर से बात नहीं कर रहे, ये तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये यही है, फिक्स है। लेकिन वेलोसिटी में क्या हो रही है, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अगर हम कहें कि डायरेक्शन चेंज हो रही है तब वो स्पीड ना रह के क्या बन गई, वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन तो वेलोसिटी में होती है। ये सब मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर किया हुआ है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम कहते हैं इसको स्ट्रेट में चल रहा है तो ये स्पीड हो जाती है क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, यानी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, और स्पीड में तो आपको पता है हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करते, समझ रहे हो, चाहे स्पीड कम हो रही है ज़्यादा हो रही है लेकिन हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होती है, ये तो सब आपको पता है। तो अगर डायरेक्शन होती है और यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम यही बोलेंगे इसमें कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जहाँ भी वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है चाहे डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसलिए बोलते थे हम इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि स्पीड या वेलोसिटी जो यहाँ पर है वो क्या हुई, तो फिक्स हो गई, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब बात समझो, जब हमें ये पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो जल्दी से बताओ जरा क्या था, वी स्क्वेयर अपॉन में आर, ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, आया था ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बताओ। और अगर आपको याद हो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन था वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा, तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ, समझ रहे हो, तो देखो क्या आएगा, आर ओमेगा, वी की वैल्यू पुट कर दी तो इसका स्क्वेयर अपॉन में आर, तो यहाँ पर देखो जरा ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन में आर, तो एक आर से एक आर कट गया, क्या आ गया, एक ओमेगा स्क्वेयर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले थे, एक तो था वी स्क्वेयर बाय आर और एक था ओमेगा स्क्वेयर बाय आर। तो यहाँ से अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, देखो अब सीधी सी बात समझो, एक्सेलरेशन कब आया होगा, जब यहाँ फोर्स होगी कोई, सीधी सी बात है ना, फोर्स इज इक्वल टू में क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स कौन सी है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे हम इसको, क्यों, क्योंकि देखो इसका मास एम है जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है, मास और एक्सेलरेशन इसका हम वी स्क्वेयर बाय आर पुट करेंगे तो आ गया ये एम वी स्क्वेयर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर ओमेगा स्क्वेयर बाय आर, ओमेगा स्क्वेयर इंटू में आर पुट करेंगे, आर इज द रेडियस एंड ओमेगा इज क्या है इसमें, एंगुलर वेलोसिटी, और वी क्या है इसमें, लीनियर वेलोसिटी, एम क्या है, मास है, ठीक है। तो अगर हम मास इंटू में एक्सेलरेशन अगर हम ये वाला पुट करेंगे इसमें ओमेगा स्क्वेयर आर, तो क्या आ गया ये हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वेयर आर। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी फॉर्मूला बन गया और एक ये भी फॉर्मूला बन गया, या नहीं बताओ, दो फॉर्मूले बन गए सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब देखो एक बात को समझो, ये तो हमें पता चल गया एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स की वजह से ये, कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ लग रही है तभी एक्सेलरेशन है। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में क्या, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ये टुवर्ड द सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए था, तो वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए है, क्या इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज़ आपको पता ही थी पहले से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो वही डायरेक्शन क्या है, फोर्स की, बस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ कौन सा लेना है, सेंट्रीपिटल वाला, बिकॉज हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेन कहानी क्या है, जो कंसेप्ट आपका आगे इनमें भी यूज़ होगा कार ऑन सर्कुलर लेवल रोड पे, ठीक है। देखो एक्चुअल में आपको पता है, जैसे ये सर्कल में ये मान लो ये स्टोन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है,
तो आपको पता है इसकी तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, एक इधर ही, मतलब क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग में क्या ऐसे लगता है आपके पास, एक टेंशन लगती है, टेंशन वाली फोर्स होती है टी, ये तो पता है आपको, समझ रहे हो। तो ये जो टेंशन यहाँ लग रही है इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि ये जो टी है, ये जो टी है यही क्या है हमारा, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय आर। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि कोई भी सर्कल में कोई चीज़ मूव कर रही है उस पे जो फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर उसे हम क्या बोल देते हैं, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। वो कोई भी फोर्स होती है, जैसे यहाँ पर ये टेंशन फोर्स थी, ठीक है ना, टेंशन हमें पता स्ट्रिंग पे क्या लगती है, टेंशन लगती है, तो ये टेंशन को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया। क्या इतनी बात क्लियर है, तो हमेशा कोई भी घूमने वाली चीज़ है वो फोर्स कोई भी लग रही हो, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है बात। अब मेन कहानी क्या आती है, बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कहीं सोचते हैं ये सेम चीज़ है, लेकिन कुछ हद तक तो सेम है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है इनमें, अलग अलग नाम से मतलब क्या हुआ इसमें, सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं, क्या मतलब हुआ इसका। देखो इसकी कहानी को समझो, देखो जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लो कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब कहानी को समझना, ये रेडियस है, ये जो घूमने वाली चीज़ है ना, इसके ऊपर आप बैठे हो और आप अब घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, आप अब घूम रहे हो, तो अब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप कहाँ बाहर की तरफ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बाहर की तरफ। अगर आप स्टोन पे बैठे हो या जो भी ये चीज़ है घूमने वाली इस तरीके से, या कोई आप कोई ऐसे देख लो, कोई स्विंग है ऐसा गोल गोल घूमने वाला आपने देखा होगा, ठीक है, मेले में, तो आपको ऐसा लगता है आप कहाँ जा रहे हो, बाहर की तरफ जा रहे हो। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये एक इमेजिनरी फोर्स होती है, एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी है कि आपको लग रही है कि बाहर की तरफ आप जा रहे हो। रियल फोर्स तो कौन सी है, ये अंदर की तरफ ही है, समझ रहे हो इतनी बात, रियल कौन सी है, जो अंदर की तरफ ही है, लेकिन और वो अंदर की तरफ कौन सी है, हमारी सेंट्रीपिटल है, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, ये कैसी होती है, इमेजिनरी, इमेजिनरी फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये कैसे, ये तो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे राउंड 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 में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या लगता है, यहाँ पर तो ये टेंशन स्ट्रिंग है जिसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला था, ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट मतलब क्या, आप जब यहाँ हो तो आपको लगेगा आप बाहर की तरफ जा रहे हो, एक इमेजिनरी फोर्स महसूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसमें भी जो आंसर आता है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है। आप देखो इसमें कैसे लगता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, अब ऑब्वियसली बात है घूमने वाली चीज़ है तो एक्सेलरेशन कौन सा है इसमें, सेंट्रीपिटल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ये होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यानी कि एम ये हो गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस है, बिकॉज ये फोर्स इस साइड लग रही है सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीपिटल तो इसी तरफ लग रही थी तो यहाँ पर प्लस का ए ही रखा था, लेकिन यहाँ पर माइनस है वाई, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रही है ये फोर्स, तो ये माइनस साइन बता रहा है अपोजिट के लिए, ठीक है। तो मास इनटू में ये माइनस बाहर यहाँ ले लिया, और ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वी स्क्वायर बाय आर, बिकॉज ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात है। तो देख रहे हो एम वी स्क्वायर बाय आर ही आ रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, माइनस साइन तो सिर्फ क्या बता रहा है, ये अपोजिट है, मतलब क्या है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है, ठीक है, अलॉन्ग द रेडियस ही है, देखो रेडियस ये चीज़ है इसकी, ठीक है, इसी के ही अपोजिट लग रही है, मतलब क्या, अवे फ्रॉम द सेंटर, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो यहाँ पर है तो ये लगेगी तो अलॉन्ग द रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है, लेकिन कैसे, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है, जैसे सेंट्रीपिटल हम कहते थे अंदर की तरफ लगेगी, ठीक है ना, अलोंग द रेडियस तो है लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर तो मतलब बाहर की तरफ, एंड जो हमने बोला था कि टुवर्ड्स द सेंटर तो वो अंदर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है। क्या बात समझ रहे हो या नहीं बताओ, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहानी, की अपोजिट में लगती है, जहाँ सेंट्रीपिटल होती है उसके अपोजिट में, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि ये एक ही फोर्स है, फोर्स एक नहीं है, समझो, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगती है। और ये कब कंसीडर होती है सेंट्रीफ्यूगल, ये भी पता होना चाहिए आपको, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जहां से आप देख रहे हो, आप कहां से देख रहे हो, अब यहीं पर से देख रहे हो स्टोन के ऊपर से, स्टोन एक्सेलरेटेड है तो आप भी एक्सेलरेटेड होगे क्योंकि आप भी इसके ऊपर ही बैठे हो, एक्सेलरेटेड। अब क्या है कहानी, वही डायरेक्शन वाली है, कभी कहो नहीं आपने तो यूनिफॉर्म की बात करी थी, यहां भी ऊपर भी, यहां यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड की कहानी है, लेकिन ये यहां पर एक्सेलरेटेड क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये चीज याद रखनी है आपको, समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल में डिफरेंस क्या है, मेन यही बात आपको पता होनी चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था बात क्या, वो बीच में ही रह गई,
कि जब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहाँ से आप देखते हो कोई चीज़ को, ठीक है, जैसे एक चीज़, जैसे आप बाहर खड़े हो तो बाहर से आप ट्रेन को देख रहे हो, जो ट्रेन में अंदर बंदा बैठा है, ठीक है, वो आपको मोशन में दिखाई देगा। अब आप ट्रेन के अंदर हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, आप ट्रेन के अंदर ही आ गए, एक्सेलरेटेड में ही आ गए, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है, आप भी उसी में ही हो, तो आप अब उस बंदे को देख रहे हो, तो वो आपके लिए किस में है, रेस्ट में है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब एक्सेलरेटेड में ही हो, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आती है, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड हो, मतलब क्या, जब आप उस, आपने देखना है और आप ही उस स्टोन के ऊपर हो तो आप भी एक्सेलरेटेड हो गए, ठीक है, तो तब आप ही को तो महसूस होगी ये फोर्स बाहर की तरफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है तब ये फोर्स पता चल रही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ये लग रही है। अब खाली स्टोन था अगर और आप बाहर से देख रहे हो उसको स्टोन को, तो सिर्फ आपको क्या लगेगा कि ये सिर्फ अंदर एक टेंशन लग रही है, जो कि हमारी कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, समझ रहे हो, और ये कब है, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड नहीं है, समझ रहे हो बात को या नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ क्या है, एक्सेलरेटेड नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि आप तो बाहर से देख रहे हो, एक्सेलरेटेड तो क्या है, सिर्फ स्टोन है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। लेकिन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जब आप खुद ही बैठ गए उस स्टोन के ऊपर, तो आपको भी क्या लगेगी, महसूस होगी क्या, एक बाहर की तरफ फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बात समझ में आई, तो यही लिख रखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स, मतलब एक इमेजिनरी फोर्स है, इन अ सर्कुलर मोशन विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस ही लग रही है, लेकिन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द रेडियस, समझ रहे हो, जैसे मान लो इस पॉइंट पे देखें तो अलोंग द रेडियस ही है, रेडियस ही है, अलोंग द रेडियस ही है, लेकिन उसके जो सेंटर है उसके अपोजिट, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की तरफ लगती है, ऐसी यहाँ पर थी कहानी। बात समझ में आई, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये मत सोचना कि ये सेम ही है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमारी एक तरह से रियल फोर्स में इंक्लूड होती है, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे खुद से कुछ नहीं होती, मतलब अगर हम टाइप ऑफ फोर्सेज की बात करें तो कुछ नहीं है टाइप ऑफ फोर्सेज में सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज यहाँ क्या है, टेंशन लगती है, टेंशन ही क्या बन जाती है हमारी सेंट्रीपिटल, क्योंकि घूमने वाली कोई भी चीज़ होगी उसमें जो फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, वो हमेशा क्या बोल देते हैं हम, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती है, जैसे यहाँ ये स्ट्रिंग था तो टेंशन है, ठीक है, एक गाड़ी घूम रही है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका फ्रिक्शन लगेगा इस अंदर की तरफ, तो वो क्या होगा हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, यही कंसेप्ट हमारा इसमें यूज़ होगा, कार होना सर्कुलर लेवल रोड में। तो बताओ समझ में आया सेंट्रीफ्यूगल के बारे में और सेंट्रीपिटल के बारे में, तो बस जो मेन डिफरेंस आपने क्या समझना है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जब आप खुद ही हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब खुद आप घूम रहे हो यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है आपको कैसा महसूस होगा, एक बाहर की तरफ फोर्स, तो वो एक इमेजिनरी फोर्स है, जो कि हमारी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है, पता चल गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे क्या, जैसे यहाँ पर ये क्या है, सन है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, अर्थ है, समझ रहे हो। तो अब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में ये जो घूम रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये अंदर की तरफ फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये किसकी वजह से लगी, ग्रेविटेशन की वजह से। एक्चुअल में तो अर्थ और सन के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। आप कहोगे ग्रेविटेशन फोर्स में तो ये इसके पास क्यों नहीं गिर गया, तो ये चीज़ें आपको पता ही है क्लास 9th में भी, कि इसका मास ज़्यादा है और अर्थ का मास क्या है, कम है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है इन दोनों के बीच का कि वो इतना भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा सन इसको कि ये अपने ऊपर ही गिरा ले, ठीक है, लेकिन इतना है कि ये इसको चारों तरफ घुमा सकती है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन हो गया तो उसमें जो भी फोर्स है वो क्या है, हमारी सेंट्रीपिटल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही यहाँ पर क्या आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आती है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर टेंशन लग रही है, टेंशन ही क्या है फिर, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है, समझ में आ गई होगी मुझे लगता है कहानी। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना आपका बड़ा ज़रूरी था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कोई भी फोर्स इधर लग रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट अभी आपका नेक्स्ट वीडियो में यूज़ होगा, नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ होगा, क्लियर कर लोगे इसको, समझ में आया, ओके, थैंक यू।